नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। फ्रेंड्स, बात करें जो सबसे पहले अपडेट की, तो आज की जो पहली अपडेट है वो आ रही है ओमान की जो सबसे बड़ी पावर प्लांट ओमान इब्री के बारे में। जी हाँ, ये ऐसा पावर प्लांट है जिस परियोजना को 3 कंपनियों ने मिलकर बनाने का फैसला लिया है, जिसमें एक ओमान की कंपनी ACW पावर और 2 कुवैत की कंपनियाँ इसमें मिल के काम कर रही हैं। और फ्रेंड्स, 2020 के मार्च से ही इसका निर्माण काम स्टार्ट हो चुका था और अगले साल यानी 2021 के मध्य तक चालू हो जाने की पूरी संभावना। इसके कैपेसिटी का अंदाज़ा आप इस प्रकार लगा सकते हैं कि यदि ये स्टार्ट हुआ तो ओमान के 33,000 घरों में बिजली पहुंचा सकता है। और फ्रेंड्स, जो कार्बन उत्सर्जन है प्रतिवर्ष 3,40,000 टन, उसको रिड्यूस कर सकता है। अब बात कर लेते हैं रॉयल ओमान फोर्स के बारे में। जी हाँ, ओमान न्यूज एजेंसी ONA ने एक ऑनलाइन बयान में जारी करके बताया है कि सुल्तान के रॉयल एयरफोर्स के एक विमान ने एक बहुत ही बीमार व्यक्ति, जो मतलब एकदम लास्ट कंडीशन में था, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था, उसको एयरलिफ्ट करके खसाब हॉस्पिटल में पहुँचा दिया गया है, जहाँ पर उसका इलाज समय रहते स्टार्ट कर दिया गया, उसकी जान बच गई है। फ्रेंड, थर्मल स्क्रीनिंग सुरक्षित है, और ये कहाँ सुरक्षित है, माथे पे या कलाई पे? फ्रेंड्स, थर्मल स्क्रीनिंग क्या होती है? जब हम किसी शॉपिंग मॉल, दुकान या फिर ऑफिस या कार्यालय में जाते हैं, एयरपोर्ट पे भी जाते हैं, तो इवन आप देखे होंगे कि जो बुखार नापने के लिए ये लोग जो यूज़ करते हैं, ऐसे माथे पे लगा करके वो पॉइंट दबाते हैं और बुखार का टेम्परेचर दिखा देता है कि भाई आप एंट्री कर सकते हैं या नहीं, इसको बोलते हैं थर्मल स्क्रीनिंग। अब इस थर्मल स्क्रीनिंग को लेकर के जो डॉक्टर्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनकी अलग अलग राय है। कुन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसके कॉन्टेक्ट में लगातार रहा गया, यानी एवरीडे आप मान लीजिए मॉल में जा रहे हैं, एवरीडे आपका थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है, बुखार चेक हो रहा है और माथे पे लगा करके, तो इससे आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि जो कुछ विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि इसको माथे पर न करके कलाई पे किया जा सकता है, कलाई पे यहाँ पे या फिर यहाँ कोहनी के पास जहाँ मुड़ता हुआ, यहाँ पे करना सुरक्षित होगा। तो फ्रेंड्स, आप कहीं भी मॉल्स या शॉपिंग मॉल्स में जाएँ, किसी ऑफिस कार्यालय में जाएँ, तो अगर पॉसिबल हो तो अपने कलाई या फिर हाथ पे ही अपना थर्मल स्क्रीनिंग करवा लें। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो, लाइक करना मत भूलिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।